श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 11वां अध्याय 13वां हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम, ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम, इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि होती है, वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्व गुण की, राजसिक हों तो रजोगुण की और तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिसकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएँ राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न होता है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवन, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई, उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझमें अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का वही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं की शिरोमणि, स्वयंभूव और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों ने इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके वे भी इस प्रश्न का मूल कारण ना समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव,
उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए। उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसीलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा यदि मैं उत्तर देने के लिए बोलूं भी, तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंच भूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्व आदि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला वह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसीलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थिर होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दें, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाएं और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दें। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्गादि फल और उनके कारण भूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट कर उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था में इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कार वृत्ति बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जैसे मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में काल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य है, ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खंड के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत का मन विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अलात चक्र के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार के विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसीलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरय होकर आत्मनंदन के अनुभव में मग्न हो जाएं। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय
यह देहादी प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु के अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसीलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं गया या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसीलिए अपने आरंभक कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रवरो, मैं योग, सांख्य, सत्य, रित, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इन सब का परम गति परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझमें ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृदय, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्व आदि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 11वां अध्याय 13वां समाप्त।